हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर एक अलग सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप कैप में, मफलर में, स्वेटर में, जैकेट में, कार्डिगन में, गर्ल्स टॉप में डालिए फ्रेंड्स। डालने के बाद बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। चलिए तो फ्रेंड्स, हम अपना पैटर्न बनाना शुरू करते हैं और अपने ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। इस डिज़ाइन को डालने के लिए मैंने 16+4+2 फंदे लिए हैं, यानी कि मैंने यहाँ पर टोटल 22 फंदे लिए हैं फ्रेंड्स। ये हमारी पहली सिलाई है और सीधी सिलाई है। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, अगला फंदा हम ऐसे उल्टा बनाएंगे, फिर हम ऐसे एक बार धागा घुमाकर दो फंदों का हम ऐसे दो फंदों को इकट्ठा ऐसे उल्टा बना लेंगे। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, पहला फंदा स्लिप किया, दूसरा फंदा मैंने उल्टा बनाया, धागा घुमाया, सिलाई पर लपेट लिया और दो फंदों का मैंने एक उल्टा फंदा बना लिया है। एक फंदा ऐसे उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और चार फंदे हम ऐसे सीधे बना लेंगे, 2, 3 और 4। ये हमने चार फंदे सीधे बनाए हैं। दो फंदों का यहाँ पर ऐसे इकट्ठा एक सीधा फंदा बनाएंगे। ध्यान से देखिए, दो फंदों का एक फंदा सीधा बनाया। अब ध्यान से देखिए, दो बार ऐसे धागा घुमाएंगे, दो बार धागा घुमाने के बाद दो फंदे ऐसे हम स्लिप कर लेंगे। दो फंदे स्लिप किए ही से हम बैक साइड से ऐसे दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे। इस तरह से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। अब चार फंदे हम ऐसे सीधा बनाएंगे, 1, 2, 3 और 4। चार फंदे हमने ये सीधे बना लिए हैं। हमारा यहाँ से एक फंदा छोड़कर यहाँ तक एक डिज़ाइन बनेगा। अब धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर से धागा ऐसे सिलाई पर घुमाएंगे और दो फंदों का ऐसे एक फंदा उल्टा बनाएंगे। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, फंदा ये उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करके इस फंदे को, लास्ट वाले फंदे को हम ऐसे सीधा बना लेंगे। इस तरह से लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे। अब आ गई है इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, दूसरी सिलाई कैसे बनाई जाएगी। ये सेकंड रो है और उल्टी सिलाई है। पहले फंदे को यहाँ से स्लिप करें, अगला फंदा हम ऐसे सीधा बनाएंगे, धागा आगे, एक बार ऐसे धागा घुमाएंगे, दो फंदों का इनका उल्टा एक फंदा बना लेंगे। दो फंदों का एक फंदा करेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, तीन फंदे उल्टे, 1, 2, 3। दो फंदे ऐसे स्लिप करेंगे। इस तरह से दो फंदे हम स्लिप फंदों को हम ऐसे स्लिप करेंगे। ध्यान से देखिए, स्लिप करने के बाद फ्रेंड्स, इसे हम ऐसे बैक लुक से उल्टा फंदा 2 का 1 करेंगे। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इस सिलाई में लेके आएंगे, यहाँ से ऐसे इस तरह से बैक लुक से हम इसे एक उल्टा फंदा बना लेंगे। इस तरह से हम एक बैक लुक से उल्टा फंदा बनाएंगे। इस फंदे को जो हमारा लपेटा हुआ था, इसे हम ऐसे छोड़ देंगे। एक डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। ये इस फंदे को छोड़ के यहाँ तक जितनी बार आपको रिपीट करना है उतनी बार आप कर सकते हैं। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे किया,
आगे करके एक बार फंदे पर घुमाएंगे और दो फंदों का एक फंदा ऐसे उल्टा बना लेंगे इस तरह से। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। ये हमारी दूसरी सिलाई बनकर कंप्लीट है। अब आ जाते हैं इसकी तीसरी सिलाई और सीधी सिलाई की तरफ। फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, धागा आगे लेके आएंगे, एक फंदा ऐसे उल्टा बनाएंगे, फिर ऐसे दो फंदे सीधे बनाएंगे, दो फंदों का हमें एक फंदा ऐसे उल्टा बनाएंगे, एक फंदा फिर से उल्टा, धागा दो फंदे सीधे बनाए, अब दो फंदों को ऐसे एक फंदा बनाएंगे, इस फंदे को ऐसे छोड़ देंगे। यहाँ पर हमने तीन बार धागा घुमाएंगे, एक दो और तीन, ऐसे इस तरह से स्लिप कर लेंगे और दो फंदों को हम ऐसे को स्लिप करने के बाद ऐसे ये हमने तीन बार धागा घुमाया था और ये इस तरह से एक फंदा ऐसे उल्टा बनाएंगे, सीधे बनाएंगे, एक दो। ये हमारा एक फंदे को छोड़कर यहाँ तक हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। धागा करेंगे, एक फंदा उल्टा, एक बार ऐसे धागा घुमाएंगे, दो फंदों का एक फंदा ऐसे उल्टा बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा। ये हमारी तीसरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब आ जाते हैं इसके फोर्थ रो पर, चौथी सिलाई। एक फंदा ऐसे स्लिप करेंगे, एक अगला फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, इस तरह से एक बार धागा घुमाएंगे और दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, ऐसे दो फंदे वैसे स्लिप करना है। इस तरह से दो फंदे स्लिप करने के बाद ऐसे इस तरह से हम ध्यान से देखिए बैक लुक से हम दो फंदों को ऐसे एक इस तरह से यहाँ से सिलाई डालकर एक फंदा हम ऐसे बैक लुक से उल्टा बना लेंगे, फंदा ऐसे छोड़ देंगे। अब यहाँ पर तीन बार धागा घुमाएंगे, एक बार दो बार तीन बार, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, यहाँ पर धागा एक फंदा और उल्टा बनाएंगे, इसी एक फंदे को छोड़ के इसी तरह से रिपीट करना है, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक बार धागा घुमाएंगे, दो फंदों का ये एक फंदा ऐसे उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा आगे, लास्ट वाला उल्टा। अब आ जाते हैं इसकी पांचवी सिलाई पर, पांचवी सिलाई और सीधी सिलाई की तरफ। पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे करेंगे, करने के बाद एक फंदा ऐसे उल्टा बनाएंगे, फिर इस पर सिलाई पर ऐसे लपेटेंगे इस तरह से, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदों का एक फंदा ऐसे सीधा बनाएंगे, अब ये फंदा ऐसे छोड़ देना है। तीन बार ऐसे धागा घुमाएंगे, एक दो तीन बार, दो फंदे ऐसे स्लिप करेंगे और बैक लुक से इन दो फंदों का
एक फंदा ऐसे धागा आगे, दो फंदों को ऐसे बैक लुक से ऐसे एक फंदा ऐसे उल्टा बनाएंगे। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, धागा आगे एक फंदा उल्टा, एक बार धागा घुमाएंगे, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे ऐसे, अगला फंदा हम उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे किया एक फंदा ऐसे सीधा बनाएंगे। अब आ जाते हैं इसकी छठी सिलाई की तरफ। पहले फंदे को ऐसे उतारेंगे, अगला फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे एक बार धागा घुमाएंगे, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा आगे एक फंदा उल्टा। फिर जो फंदे ये हैं लपेटे हुए इन्हें हम ऐसे छोड़ देंगे। यहाँ पर चार फंदे हम ऐसे बनाएंगे, इस तरह से हम ये चार फंदे बनाएंगे, एक फंदा, दो फंदा, तीन फंदे और एक फंदा वो बनाएंगे। ये हो गए हमारे चार फंदे, ये हमने यहाँ पर चार फंदे बनाए हैं। फंदे बनाने के बाद ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, एक फंदा, दो, तीन, चार और ये पांच, पांच फंदे दो हमने धागा घुमाकर छोड़े थे, उसे यहाँ से हम ऐसे उल्टा बना लेंगे। ध्यान से देखिए, बना फंदे उल्टे बनाएंगे, एक, दो और तीन। बनाने के बाद इसे हम इस उल्टी सिलाई में डाल लेंगे और इसे हम ऐसे ध्यान से देखिए इसे उल्टा फंदा बना लेंगे। एक बार फिर हम यहाँ से दोबारा एक फंदा और बनाएंगे। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इसे फिर से हम इस सिलाई में, लेफ्ट वाली सिलाई में इस फंदे को ऐसे डाल लेंगे और दोबारा फिर हम एक बार और ऐसे उल्टा फंदा बना लें। उल्टा फंदा बनाने के बाद फिर से यहाँ पर हम चार फंदे फिर बनाएंगे, एक फंदा, दो, तीन और ये चार, चार फंदे फिर से हमने बना लिए हैं। फंदा हम ऐसे उल्टा बनाएंगे, इस फंदे को छोड़ के यहाँ से यहाँ तक हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट हुआ है। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करके एक बार ऐसे घुमाएंगे, दो फंदों का ऐसे एक फंदा करेंगे, धागा पीछे किया एक फंदा सीधा, धागा आगे किया एक फंदा उल्टा। ये हम आ गए इसकी सातवीं सिलाई की तरफ। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा घुमाएंगे ऐसे, दो फंदा ऐसे दो का एक करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, बारह फंदे ऐसे सीधे बनाएंगे, एक ऐसे, इसे थोड़ा सा लूज करके ये बारह फंदे हम ऐसे सीधे बनाएंगे, दो, दो, तीन, चार, ये हमने यहाँ पर 12 फंदे सीधे बना लेने हैं। फंदे सीधे बनाने के बाद धागा आगे किया, एक फंदा उल्टा बनाया, धागा सिलाई पर घुमा लेंगे ऐसे, दो फंदों को फिर हम एक फंदा ऐसे बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे किया एक फंदा सीधा। ये हमने सातवीं सिलाई को कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं इसकी आठवीं सिलाई की तरफ। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे को हम ऐसे सीधा बनाएंगे, धागा आगे करके ऐसे फंदे पर घुमाएंगे, दो फंदों का एक फंदा, धागा पीछा
एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। फिर अब 12 फंदे हम ऐसे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और 12। ये फंदे हमने यहाँ एक फंदे को छोड़ के यहाँ तक हमारा एक डिजाइन कंप्लीट होता है। मैंने 12 सिलाइयों को उल्टा बना लिया है। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, ऐसे दो बार घुमाएंगे, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे किया, एक फंदा उल्टा। ये हमारी 8 सिलाइयों में हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से बनकर आएगा। इन्हीं 8 सिलाइयों को रिपीट करते हुए आप अपने पूरे पैटर्न को, पूरा पैटर्न बनने के बाद फ्रेंड्स फाइनल लुक कुछ इस तरह से आएगा। अगर फ्रेंड्स आपने मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए।